अगर आप लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सीए सीएस जैसा कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो या और भी कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जिसके अंदर आपको कई कई घंटों तक लगातार बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो दोस्तों ऐसे में जब आप अकेले बैठ के पढ़ते हो ना तो बोर हो जाते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आप कभी भी पढ़ते हुए बोर नहीं होगे, बल्कि ये आपकी पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होता है उससे कई गुना बढ़ा देगा और ये काफी मजेदार भी है यूज करने के लिए। इस वेबसाइट का नाम है स्टडी टुगेदर। इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के स्टडी रूम्स देखने को मिल जाते हैं जिन रूम्स में जैसे कि आपको सीए की पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर सीए के जो स्टडी रूम्स है आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, और अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर यूपीएससी का भी रूम देखने को मिल जाता है। या नॉर्मल अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप जितने भी ग्रुप्स हैं इनके अंदर किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, या पूरा जो आपको ग्रुप है ना उसके अंदर आप ग्रुप चैट का भी ऑप्शन होता है जो आप ग्रुप चैट का यूज करके आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको कोई सवाल पूछना है या किसी टॉपिक को लेके कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर बातचीत कर सकते हो। और इस वेबसाइट के अंदर ना और भी काफी सारे मजेदार फीचर्स हैं जिससे कि आपकी जो स्टडी का ड्यूरेशन है ना वो काफी बढ़ जाएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। तो इस वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या फीचर्स है, एक बार इन डिटेल्स में देखने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन। दोस्तों सबसे पहले तो आपको google.com पे आ जाना। गूगल पे आके आपको यहाँ पर सर्च करना है स्टडी टुगेदर। जब स्टडी टुगेदर आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिंक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जो पहली लिंक है ना ये ऑरेंज कलर का लोगो होगा और studytogether.com ये वेबसाइट है और आपको इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर बता रहा है कि आप अपना खुद का स्टडी यूनिवर्स बना सकते हो, ठीक है, फ्री ट्यूटर भी ये शायद प्रोवाइड करते हैं, स्टैट्स मतलब जो जो आप पढ़ाई करने वाले हो वो सब यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाले हैं, कितने घंटे पढ़ाई करी ये भी हम डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये पूरा एक ओवरऑल इनका होम पेज है। अब इसे ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल फ्री है और अभी ये बता रहे कि 18,000 जने अभी इस वेबसाइट के ऊपर लाइव हैं। तो इसके लिए स्टडी टुगेदर नाउ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद ये ओपन होगा और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर आपसे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। तो आप अपनी गूगल डिस्कॉर्ड फेसबुक ट्विटर या यूनिक डेज की जो आईडी होती है उनके साथ आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर गूगल का यूज करने वाला हूँ तो मैं एक बार इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो वेबसाइट है वो लॉगिन हो गई है। इसके बाद ये कुछ ओपन हुआ है एंड आप देख सकते हो इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर ना मैं आपको फ्रंट में दिखा देता हूँ, ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ये सारे ग्रुप्स होते हैं। जैसे आपको ये ग्रुप फोकस है मतलब मेन इनका पेज है जिसमें मतलब जेनरिक है, मतलब कोई भी जाके इसे ज्वाइन कर सकता है। आपको ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो इसके अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले लोग मिलेंगे। तो इसमें 24 जने आ सकते हैं जिसमें 23 जने अभी लाइव है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो मेड रूम मतलब मेडिकल से रिलेटेड ये होगा, ये सीए के लिए जो सीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ग्रुप है। तो यहाँ पर कई बार पासवर्ड भी होता है तो इन्होंने दे भी रखा है कि पासवर्ड क्या होना चाहिए, कि पासिंग मार्क्स जो सीए के फाइनल में होते हैं बहुत ग्रुप शायद लिखा है तो वो 300 होता है। कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। मेडिकल जोन यूपीएससी के लिए जो मैं आपको बता रहा था ये हो गया, या कुछ कंट्री बेस्ड भी जैसे या फिर कोई जो वियतनाम से बिलोंग करते हैं तो वियतनामीज ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अरब्स है तो अरब्स को कर सकते हैं। इसके बाद नीट जे और इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रुप्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आप चाहो तो आप अपना खुद का भी ग्रुप बना सकते हो। मान लीजिए आप 10th क्लास में 12th क्लास में यूनिवर्सिटी में डीयू के अंदर हो तो आप अपना चाहो तो खुद का भी एक ग्रुप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना राइट उससे ऊपर टॉप में क्रिएटेड बाय मी, तो यहाँ पर आके बस आपको ये जो राइट साइड में ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ग्रुप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आप अपना ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो कि आपको कितने जने चाहिए, कि 5 चाहिए 10 जने मतलब मैक्सिमम लिमिट कितने लोग ज्वाइन कर सकते हो। कलर करना कलर कर सकते हो, नाम देना चाहते हो तो मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए दे देता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इस तरीके से आप दे सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने लिख दिया। यहाँ से क्रिएट रूम करूँगा तो ये रूम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन मैं अभी क्रिएट नहीं करता क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको और फीचर्स इसका दिखा देता हूँ। आपको मान लीजिए कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना है, जैसे ग्रुप फोकस वाला है तो यहाँ पर लिखा ना ज्वाइन स्टडी रूम, आपको बस इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद ये जो ग्रुप है ये ओपन हो जाएगा। तो इसमें ना बैकग्राउंड में आप कोई भी एनिमेशन लगा सकते हो, जैसे कोई यूट्यूब पर भी आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो आप वो भी लगा सकते हो। बट अभी मेरे पास कैमरा नहीं है क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसे मैं कैमरे को ऐसे छोड़ देता हूँ मतलब कैमरा बंद कर देता हूँ, ज्वाइन कर लेते हैं इस ग्रुप को। तो कैमरा वैसे आप ऑन करोगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सब लोग जब कैमरा ऑन करके पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है। तो इसके बाद ये जो ग्रुप है ना इसके अंदर कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऑनबोर्डिंग के कुछ स्टेप है देखना चाहते हो देख सकते हो, तो नो कर देता हूँ। इसके बाद देख सकते हो अब ये जितने भी लोग हैं ना इस ग्रुप के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अंदर कितने लोग हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कुछ फ्रंट पे दिख रहा है, ये और लोग हैं, इसके बाद ये भी लोग हैं, ये सब मतलब अलग अलग कंट्रीज है। मान लीजिए जैसे ये कोई मैं इनके रिलेटेड ट्रूसली करके इनका नाम है, तो ये हैं और इन्होंने लगभग 80 से 140 घंटे इस मंथ में पढ़ाई करी है
जिसके अंदर इनके 74 फ्रेंड्स इस वेबसाइट पे हैं और ये हाई स्कूल में भी पढ़ाई कर रही है। इसके बाद आप चाहो तो इन्हें सेंड कुडोज भी कर सकते हो। कुडोज मतलब जैसे हम लाइक करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो सिमिलर कुछ इस तरीके कि आप सामने वाले को मतलब प्रोत्साहित कर रहे हो या उसे कि आप और पढ़ाई करिए इस वेबसाइट पे या बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करो, तो काइंड ऑफ ये एक तरीका है। और दूसरा, इसके बाद आप चाहो तो इन्हें पर्सनल मैसेज भेज सकते हो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी यहाँ से भेज सकते हो आप किसी को भी। तो इसके बाद मैं और भी लोग दिखा देता हूँ, ये अलग अलग लोग हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे इंडियंस में मिलेंगे, कोई आपको फॉरनर भी मिलेगा, कोई यूएसए से, कोई यूरोप से, चाइना, वियतनाम, अलग अलग कंट्री से आपको लोग देखने को मिल जाते हैं। तो एक ना, जब आप इन लोगों के साथ पढ़ाई करते हो तो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, एक आपको लगता है मैं ही अकेला नहीं हूँ पढ़ाई करने वाला। कई लोगों को क्या लगता है, मैंने आज 4 घंटे पढ़ाई कर ली, बहुत कर लिया। कुछ लोग होते हैं जिनके लिए 12 घंटे भी कम होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें 16 घंटे भी पढ़ाई करके मन नहीं लगता, उन्हें लगता है यार 16 ही घंटे तो करिए, 24 के 24 घंटे उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। और काफ़ी अच्छे ऐसे रहते हैं कि जिनका माइंडसेट रहता है। तो ऐसे में आपको कंपनी देने के लिए कोई ना कोई ऑनलाइन अवेलेबल होता है। इसके बाद ना, ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो, तो मैं आपको जो ऑप्शन बता देता हूँ, जैसा भी बैकग्राउंड में कुछ अच्छा सा व्यू चल रहा है एनिमेशन का, तो आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने ये कर दिया, तो जैसे ये मैंने लड़का सा खड़ा है ये है, तो ये वाला हो गया। या मान लो मुझे ये कुछ ये चाहिए, कुछ थोड़ा ब्लैकिश वाला, तो मैं इस पर अगर क्लिक करता तो ये कुछ बैकग्राउंड ऐसा आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बैकग्राउंड है। तो यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हो कि आप पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा है भाई बैकग्राउंड होना चाहिए, तो हाइड पार्टिसिपेंट्स पर आप क्लिक करोगे तो सब ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है साउंड, कई बार आपने देखा होगा जब हम पढ़ाई करते हैं तो लोफी म्यूजिक जो होता है या थोड़ा सा हल्का हल्का जो नेचर वाले म्यूजिक होता है तो बहुत स्लो म्यूजिक चलता है, तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इस वेबसाइट के अंदर ये ऑप्शन पहले से है, आपको अलग से वीडियो चलाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं जो लोफी बीट से इसे थोड़ा सा भी हाई करता हूँ तो आप सुन सकते हो, या आपको अलग अलग साउंड चाहिए कि लोफी के साथ आपको नेचर की भी साउंड चाहिए तो ये नेचर ले सकते हो। आपको चाहिए कि बारिश की आवाज़ आनी चाहिए तो हल्का सा बारिश का भी ये साउंड ऐड कर सकते हो। या आपको लाइब्रेरी वाला की जो लाइब्रेरी पढ़ना पसंद करते हो, हल्की हल्की जो आवाज़ आती है लाइब्रेरी वाली, तो वो भी आ सकते हो। तो आप यहाँ से ना अलग अलग साउंड के साथ अपना जो इन्वायरमेंट आपको अच्छा लगता है वो इन्वायरमेंट बना सकते हो। इसके बाद आपको और भी मिल जाता है, जैसे ये स्टडी है या फिर जैज म्यूजिक है, पियानो म्यूजिक, आप कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो, बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस चाहिए, या आपको स्पेसिफिक कोई यूट्यूब की वीडियो है ना जो प्ले होनी चाहिए, जिसका इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा है, जिसपे अच्छे से एनिमेशन कर रखे, वो भी यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ओरिजिनल ऑडियो का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो सबसे मेन फीचर है, जो सबसे मतलब मैं बोलूँ कि इतना बढ़िया है जिसकी वजह से ये वेबसाइट हर किसी को यूज़ करनी चाहिए जो पढ़ाई करता है, वो है इसका स्टडी स्टेट्स। मतलब आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, तो ये सबसे अच्छा है कि डेली पढ़ाई करते हो किसी 2 घंटे 4 घंटे तो आपको क्या लगता है यार पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी पढ़ाई करूँ, तो यहाँ पर सब रिकॉर्ड होता रहता है। तो आज टुडे की बात करते हैं, तो आज आपने कितने घंटे पढ़ाई करी वो सब यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अभी अभी वेबसाइट स्टार्ट करिए तो 0 आ रहा है, आपने 5 घंटे करे तो 5 घंटे लिखा हुआ आएगा। आप पूरा देखना चाहते हो कि लास्ट 7 डेज तो इस वीक में मैंने कितनी पढ़ाई करी, तो वो टोटल आ जाएगा मंथ के हिसाब से, या पूरा आज तक आपने कितने घंटे पढ़ाई करी टोटल इस वेबसाइट पर, तो वो सब आ जाता है। मतलब रिकॉर्ड होता रहता है, तो आप लगा सकते हो कि यार इस वीक तो सिर्फ मैं 10 घंटे ही पढ़ पाया और लास्ट वीक मैंने 15 घंटे पढ़े थे, मतलब तो 5 घंटे मुझे आने वाले टाइम में कवर करने। या कई लोगों को टारगेट होता है कि मुझे दिन में 8 घंटे पढ़ने, तो यहाँ से वो सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ और है जो इसका काफ़ी अच्छा फीचर है, वो है एक टाइमर वाला। तो यहाँ पर ग्रुप टाइमर तो चलता ही है, ग्रुप के साथ यहाँ पर सेशन गोल्स भी चलते हैं। आप बस इस पर आना है, आपको जैसे मुझे देना है कि मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना, चैप्टर 1 कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ से प्लस पे कर दिया। तो ये मेरा आज का गोल है कि मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, और इसके बाद ये टाइमर अगर आपको लगाना है कि हाँ भाई मुझे पर्सनल टाइमर चाहिए, ग्रुप का टाइमर नहीं चाहिए, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है पर्सनल टाइमर, आपको इस पर क्लिक कर दें तो स्विच टू पर्सनल टाइमर आ जाएगा। तो ये आपसे पूछना चाहता है कि जैसे ना कई लोग ऐसा करते हैं कि 25 मिनट पढ़ाई करते हो 5 मिनट का गैप लेते हैं, तो आप वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 25 मिनट लगा दिया, 5 मिनट का ब्रेक, और इसे लूप ऑटोमेटिकली मतलब अपने आप चलता रहेगा कि कंटिन्यूसली, कि हर 25 मिनट के बाद मुझे पता देगा कि आपके 25 मिनट कंप्लीट हो गए, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, तो बस यहाँ करके मुझे ये स्टार्ट टाइमर कर देना है। तो इस हिसाब से आप ज़्यादा देर तक, मान लो आपको 4 घंटे पढ़ना है, तो 4 घंटे मतलब 25 मिनट करते हो, सिर्फ 8 सेशन आपके होने वाले हैं, तो बहुत काफ़ी अच्छे से इस पर पढ़ाई होती है। और साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का कि आपको ज़्यादा देर तक पढ़ना है, लंबे समय तक फोकस के साथ पढ़ना है इसे से, और अच्छे से पढ़ना है तो आप इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये पहले से ही प्रीबिल्ट मिल जाती है। इसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि ग्रुप के अंदर ऑप्शन होता है कि आप किसी से ही बात कर सकते हो, तो यहाँ पर ये राइट साइड में छोटा सा आइकन मिलेगा नीचे, मतलब राइट साइड में नीचे की तरफ, तो इसके अंदर एक ग्रुप चैट्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो ग्रुप चैट है इसके अंदर कई सारे लोग बात भी करते हैं। तो ऐसा कोई ब्रोगो करके इन्होंने लिखा, हाउडी हाउडी मतलब होता कैसे हैं काइंड ऑफ,
या अब यहाँ पर कुछ बात चल रही है इनकी ना कि इन मतलब डू यू नो विच सेक्शन हैज़ द हाईएस्ट डिग्रेडेशन, तो ये कुछ टॉपिक से रिलेटेड होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी इस पे ना लोग बातचीत करते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, तो आप भी चाहो तो आप भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाय एवरीवन, तो मैंने यहाँ पर ये ओके कर दिया, तो यहाँ पर ये मैसेज चला जाएगा। तो नीचे आप देख सकते हो कि मेरे अभी मैसेज आ गया गौरव राजपूत जो मेरा नाम है, और उसके बाद मैसेज आ गया। इसी तरीके से आप पूरे ग्रुप के अंदर बात कर सकते हो। और आपको किसी को पर्सनल मैसेज भेजना है, एग्जांपल के लिए कोई भाई है अब्दुल रहमान, तो अब्दुल भाई को अगर मुझे मैसेज भेजना है तो यहाँ से मैं इन्हें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकता हूँ। बस इनके जो मैसेज वाले पे क्लिक करा, इसके आधे चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ जैसे कि हाय, मैं मैसेज नहीं सेंड करने वाला, बस आपको दिखाता हूँ। तो हाय अब्दुल नाम है, वैसे मैंने अब्दुल बोला, सॉरी मैंने गलत पढ़ा है। तो अब्दुल भाई को मैंने अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ तो ये अब्दुल भाई को मैसेज चला जाएगा, बट मेरा किसी को मैसेज भेजने का ही मन नहीं है तो इसे छोड़ते हैं एक बार। एंड इसके बाद अगर आपको फुल स्क्रीन चाहिए, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो ये जो है ना फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन, इस पर करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। बाहर निकलना है तो अपने कीबोर्ड पे जो सबसे कोने वाला टॉप का बटन, उसे एग्जिट भी बोलते हैं, शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, मतलब क्या एग्जैक्टली से बोला जाता है, तो एग्जिट बोल देता हूँ मैं इसे, आप क्लिक करके उससे एग्जिट कर सकते हो। इसके लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कि आपको, कई लोगों को ऐसा होता है मुझे ना अकेले पढ़ाई करनी है, तो आप यहाँ पर सोलो स्टडी वाला जो ऑप्शन है, सोलो स्टडी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर अकेले पढ़ाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर ग्रुप में कोई नहीं होगा, आप सिर्फ अकेले होगे, आप जैसा बैकग्राउंड लगाना चाहो आप वैसा बैकग्राउंड लगा सकते हो, जैसे आपको माहौल चाहिए, जैसे लाइब्रेरी का माहौल चाहिए तो यहाँ पर लाइब्रेरी वाला मैं कर देता हूँ, नेचर का चाहिए मतलब पहाड़ों वाला थोड़ा सा होता है ना कि लोगों को जंगल में बैठ के ऐसे पढ़ने वाले, तो आप ऐसा लगा सकते हो। म्यूज़िक प्ले करना चाहते हो यहाँ से कोई भी आप म्यूज़िक ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा जैज म्यूज़िक को थोड़ा सा हाई कर देता हूँ, तो कॉफ़ी शॉप वाला आप चाहिए कॉफ़ी शॉप कर लीजिए, इसे जैज को कम कर दीजिए। तो काइंड ऑफ ना ऐसे कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर अच्छे अच्छे ना नोट्स भी लिख के मिलते हैं, बुक इज़ लाइक अ गार्डन डेट कैन बी कैरीड इन योर पॉकेट, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है कि आपको मोटिवेशन मिलता रहता है। इसके बाद अगर हम देखें तो स्टडी गोल्स, ये स्टडी गोल्स वो हैं जो आपने बनाए होंगे, जैसे अभी मैं चैप्टर वन बनाया था, अगर मैं इसे क्लिक करते हैं मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप नए नए सेक्शंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नीचे आए तो स्टडी ट्रैक्स जो मैंने आपको बताया था, जो भी जितने भी घंटे आपने पढ़ाई करी है, तो जैसे अभी मैंने इसके ऊपर 0.1 आवर मतलब 10-15 मिनट जो मैंने इस वेबसाइट पर बिताए हैं वो रिकॉर्ड, कंट्री इंडिया है। इसके बाद लीडर बोर्ड, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, मतलब कि इस वेबसाइट पर आज तक किसने सबसे ज़्यादा पढ़ाई करी है। तो जैसे हम देखते हैं कि सकारा करके कोई हैं या फिर अपोलो करके कोई हैं, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं ये व्यक्ति, तो आप देख सकते हो दिन में भाई 24-24 घंटे तक ऑनलाइन रहते हैं। अब 24 घंटे पढ़ाई कर पाते नहीं कर पाते वो अलग बात है, बट इस वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन रहते हैं। और ये PhD कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल हो भी सकता है 24 घंटे रहते हो और 2-4 घंटे ही स्लिप लेते हो। तो जैसे इसमें ये इस दिन 19 घंटे लगभग ऑनलाइन थे, आज की बात कर ले तो आज 10 घंटे तक ऑनलाइन है। तो आप इस तरीके से किसी का भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैन ऑफ स्टील करके कोई व्यक्ति है, इनका चेक करते हैं तो इन्होंने भी भाई ये भी ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं, इन्होंने भी 17 घंटे, 19 घंटे, 12 घंटे या फिर 7 घंटे तक भी पढ़ाई करी। तो बेसिकली ये वेबसाइट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करते हैं, इसके अंदर कैसे आपको चीज़ें करनी है, कैसे इसका यूज़ करना है, कैसे आप टाइम लगा के या किसी से इंटरेक्ट करना है, कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसे यूज़ करोगे ना, मान लो 5 दिन 10 दिन आप यूज़ करके देखना, फिर इन्हें आपको आदत हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ पूछना है इस वेबसाइट से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, धन्यवाद।